जनाब स्पीकर, मैं आलमदीन नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम का एक अंदर पैरकार होने की हैसियत से मैं पहले तो जनाब सऊदी अरब के सफ़ीर और उनके साथ आए हुए मस्जिद नबी के इमाम उनके वफ्द का इंतहाई एहतराम के साथ खुश आमदीद कहता हूँ उनको। ये उनकी अपनी सरजमीन है, अपने घर आए हैं। जनाब स्पीकर, चाहे कोई कुछ कहे, आले सऊद मक्का मुकर्रमा के हुक्मरान इस्लामी दुनिया के इंतहाई ज़िम्मेदार लोग हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम पाकिस्तान के सही लोगों की तरफ से जनाब मोहतरम उनके सलमान प्रिंस को मुबारकबाद की पेश करता हूँ कि उन्होंने सऊदी और ईरान के दरमियान जो गैप थी, जो दूरियाँ थी, उस पर कोशिश की है, उसको नज़दीक लाने की कोशिश की है। ये तमाम आलम इस्लाम पे उनका एहसान होगा। दे शुड प्रोसीड ऑन द सेम लाइन। जनाब जिस तरह हमारा मुल्क मुश्किलात में है, माफ़ी चाहता हूँ, इसी तरह अगरचे इस्लामी ममालिक 50 से भी ज़्यादा हैं, हमारी मुश्किलात, हमारी कमज़ोरियाँ उससे भी ज़्यादा हैं। इस्लाम के लघवी माने हैं टू सरेंडर बिफोर द विल ऑफ अल्लाह। क्या हम इस स्पिरिट के साथ हैं, या जो आज तिलावत फरमाई इमाम साहब ने, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमिया, क्या हमने वाकई इसको मजबूती से पकड़ा है? मैं रिक्वेस्ट करूँगा सफ़ीर साहब की वफ्द की तरफ से कि शहजादा सलमान को हमारी तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट करें। बहुत मुश्किल में है, दे कैन डू इट। इस्लाम को इस नज़दीक लाए, हम इतने कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं हैं फाइनेंशियली, हमारे पास दुनिया खरबों के डॉलर है, हमारे पास अफवाज तकरीबन पता नहीं 70 लाख से भी ऊपर हमारी अफवाज है, टैंक है, वो जहाज़ हैं, लेकिन हमारे में वो इतिहाद और इतफाक नहीं है जो वातसिमु बिहब्लिल्लाह का हुक्म है। जनाब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, खुदा बुजुर्ग बरतर हम पे रहम फरमाए, कि हमने बहैसियत मुसलमान अब तक कलेक्टिवली ये ऐलान नहीं किया है कि यह तनाव जंगी मुजरम है, वो कातिल है फ़लस्तीनियों का, उसने फ़लस्तीन के सैकड़ों माओ बच्चों को कत्ल किया है। वी शुड परसू हिम। बहैसियत मुसलमान तुर्की ने आज फैसला किया है कि दे आर जॉइनिंग साउथ अफ्रीका टू रेजोल्यूशन। इस्लाम की तरफ से, हम सब की तरफ से, कम से कम जिस तरह जंग अजीम के बाद वो मशहूर वो अदालत बनी थी, ये तनहाऊ बिल्कुल तमाम इस्लाम की तरफ से ये फैसला होना चाहिए कि ये आदमी जंगी मुजरम है, ही शुड बी ट्राइड इन द जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, इंटरनेशनल जस्टिस, ही मस्ट बी। हम ये भी नहीं कर सकते। इसमें जनाब स्पीकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब सलमान की जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह उन्होंने कोशिश की है ईरान के साथ नज़दीक होने की, दे शुड लीड, दे शुड गेट इस्लाम टुगेदर। बहुत बड़ी ताकत है, पैसा भी है, ताकत भी है, इरादा भी है, कुछ कमजोरियाँ हैं, वह तस्वीर बिहबल्ला की रस्सी पकड़ लें और तोहबतुल नसूह करनी पड़ेगी हम सबको। अस्त